हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे अच्छे जो है वह सबका पढ़ाई सबका चलता होगा आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्व के प्रश्नावली दशमलव दो का क्वेश्चन नंबर जो है वह यानी कि फर्स्ट का तीन नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए यानी कि क्वेश्चन कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए यानी कि की बहुपद का जो है वह शून्य ज्ञात करना है एक नंबर क्वेश्चन में कहता और जो है वह शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहता है यानी कि शून्यक भी ज्ञात करिए और जो है हुआ उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो संबंध है उनको जांच करने के लिए भी कहता है तो देखिए यहाँ पे जो है वो तीन नंबर क्वेश्चन जो है वह हम पिछले वीडियो में जो है हुआ, दो नंबर क्वेश्चन तक जो है वह सॉल्व किए थे तो पहले हम लिख देंगे दिया है तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं दिया है तो देखिए दिया हुआ है हमारा सेक्स एक्स स्क्वायर माइनस ये थ्री माइनस सेवन एक्स ये जो है वो दिया हुआ है तो शून्य निकालने के लिए इनको जीरो के कर दीजिए ठीक है अब देखिए इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको जो है वो हम पहले जो है वो यानी कि जो है वो ये देखिए हम वो द्विघात यानी कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जो है वह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है तो पहले जो है वह एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है फिर एक्स वाला आता है इसको जो है वो हम ऐसे लिख देंगे कैसे लिखेंगे तो देखिए ये जो है वह सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ये सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो अब इनका जो, जो है वह गुणनखंड विधि द्वारा हम जो है वह फैक्टर निकालते हैं वह कैसे निकालते हैं तो देखिए पहला पद और तीसरा पद को गुना कर देते हैं तो छतरी अठारो अब अठारह को आप ऐसे जो है वह जोड़िए घटाइए पहले अठारह का जो है वो आभाजूलन खंड कर दीजिए ये जो है वो इनको और इनको हम कॉन्स्टेंट टर्म लिए है, है छह को और माइनस तीन को गुना करेंगे छुने माइनस तीन तो ये जो है वह माइनस अठारह आएगा हम यहाँ पे अठारो का आभाजूलन खंड कर देंगे तो ये दो से नौ तीन, तीन तीन तो देखिए यहाँ पे जो है वह अठारह का आभाजूलन खंड आया है दो गुने तीन गुने तीन अब देखिए यानी कि आप ऐसा यानी कि जुगाड़ लगाइएगा कि जोड़ने या फिर घटाने पे जो है वो माइनस सात आना चाहिए और गुना करने पर माइनस अठारह आना चाहिए तो देखिए यहाँ पे तीन दुनी तीन तीन तिया नौ नौ में जो है वो यानी कि दो को घटा देंगे तो यानी नौ में यानी माइनस नौ में दो को यानी कि घटा देंगे तो देखिए इनको हम ऐसे कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये यह जो है वो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स तीन तिया नौ नाइन एक्स और जो है वो प्लस ये जो है वो दो बच जाएगा तो ये दो एक्स और माइनस तीन बराबर जीरो तो देखिए यहाँ पे जो है वो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस सात एक्स हो जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो ये जो है वो माइनस अठारह हो जाएगा अब देखिए दोनों में जो है वह ये और ये ये दोनों में जो है क्या कॉमन मिल रहा है तो देखिए ये सिक्स एक्स स्क्वायर है तो इनको हम लिख सकते हैं दो गुने तीन गुने एक्स गुने एक्स नाइन एक्स है तो देखिए इनको लिख सकते हैं तीन गुने तीन गुने एक्स तो देखिए इसमें जो है वह एक एक्स कॉमन मिल रहा है और एक जो है वह तीन कॉमन मिल रहा है यानी कि जो है वह तीन एक्स जो है वह कॉमन मिल रहा है तो ऊपर में क्या बच रहा है टू एक्स बच रहा है ये टू एक्स माइनस नीचे में ओनली खाली थ्री बच, तो बच रहा है तो तीन बच रहा है अब देखिए दोनों में कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो वन कॉमन ले लेंगे तो ये टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा बराबर जीरो तो देखिए ये ये दोनों में कॉमन मिल रहा है तो ये जो है वो हम कॉमन ले लेंगे टू एक्स माइनस थ्री इंटू ये थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो अब हम लिखेंगे यदि यहाँ पे दे दीजिएगा यदि ये टू एक्स और माइनस थ्री बराबर जीरो हो तो एक्स बराबर ये तीन बट्टा दो ये देखिए ये जो है वो दो एक्स और माइनस तीन बराबर जीरो हो जाता है ये 2x तो ये देखिए टू एक्स इक्वल टू ये थ्री उस साइड चल जाएगा ये x ये, तो ये थ्री एक्स बराबर ये थ्री बट्टा टू ये जो है वो ऐसे आ जाता है थ्री बटा टू ये जो है टू हो तो एक्स बराबर माइनस वन बाय थ्री यानी ये देखिए ये थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन देयर फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री ये हो गया तो अब देखिए इसी में एक अल्फा का मान हो जाता है एक बीटा का मान हो जाता है अब जो है वो एक तो आंसर हमारा ये हो जाएगा ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अब हम दूसरा आंसर यानी कहता है इनको जांच करने के लिए अब जो है वो हम जांच करते हैं जांच तो जांच करने के लिए एक हम अल्फा का मान ये हो जाता है बीटा का मान ये हमारा हो जाता है तो यहाँ पे जो है वो अल्फा का मान हमारा हो जाएगा थ्री बाई टू तथा बीटा का मान जो है वह माइनस वन बाय तीन हो जाएगा ये इतना हो गया तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह ये जो इक्वेशन दिया हुआ था यानी बहुपद दिया हुआ था इसको जो है वह हम यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए ये छक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स और माइनस तीन ये जो है वह देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जो है वह द्विघात बहुपद का जो है वह व्यापक रूप होता है इसमें और इसमें जो है वह दोनों में जो है वह हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो चूंकि बराबर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो छ हो जाएगा बी बराबर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो माइनस सात हो जाएगा तथा सी बराबर जो है वह यह हमारा हो जाएगा माइनस तीन ये हो जाएगा तो अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल यानी कि जो है वह जांच करने के लिए कहता है तो हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल क्या होता है तो ये हमारा होता है शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस बी बाय ए यानी कि जो है वो यानी माइनस बी कहने का मतलब हुआ माइनस एक्स का गुणांक बटे जो है वो एक का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक तो देखिए अल्फा और बीटा अल्फा और बीटा का अल्फा का मान कितना है थ्री थ्री बाई टू है ये अल्फा का, का स्थान पर थ्री बाई टू प्लस बीटा के स्थान पर माइनस एक बट्टा तीन है तो माइनस एक बट्टा तीन और बराबर ये देखिए माइनस एक्स का गुणांक एक्स का गुणांक क्या है बी है तो बी का मान कितना है माइनस सेवन ये माइनस सेवन और बट्टा का गुना एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के स्थान पर छ है तो ये जो है वह सात बट्टा छ हो गया अब देखिए इसको जो है वह सिंपलीफाई करेंगे, जो जो करेंगे इसको जोड़ घटाव जो करेंगे तो ये देखिए इसको जोड़ घटाव करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो हमारा कितना आएगा तीन दूनी छः तीन तिया नौ माइनस ये जो है वह कितना हो जाएगा ये जो है वह तीन दुनी छः ती ये दो दू, दूनी दूतिया छः तो नौ और ये तीन दुनी छः ये दो हो जाएगा बराबर सात बटा छ यहाँ जो है वह क्या हो जाएगा नौ माइनस दो जाएगा तो सात बटा छबर ये सात बटा छ ये इतना हो गया ये जो है वो ये इतना जो है वो हो गया यही जो है वो यानी कि हम सात बटा छत बटा जो है वो जांच कर दिए दोनों जो है वो बराबर है अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी कि शून्यको शून्यको का गुणनफल फल का गुणनफल गुणनफल गुणन का गुणनफल मतलब हो गया हमारा क्या इनको हम कहते हैं तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए तो सी A कहने का मतलब हो गया सी का मतलब हो जाता है अचर यानी अचर पद सी जो है वो हमारा अचर पद ही है और A ए, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक ये जो है वो फार्मूला होता है तो अब देखिए अल्फा अल्फा का मान कितना है तो तीन बट्टा दो है तो ये जो है वो तीन बट्टा दो गोने बीटा बीटा का मान कितना है माइनस एक बट्टा तीन अचार पद अचर पद यानी कि जो है वो सी है तो सी का स्थान पर माइनस तीन बट्टा का गुणांक गुणांकवायर गुणांक है एक स्थान पे छो छे यहाँ ये गुना करेंगे तो माइनस तीन बटा तीन दूनी छो बस तीन बटा छो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो ये भी जो है वो बिल्कुल जो है वह दोनों बराबर हो गया यानी कि हम जांच भी कर दिए कि जो हम बनाए हैं वो हमारा बिल्कुल सही है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो तीन नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे चलिए अब हम चार नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं उनको सॉल्व करते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो थ्री नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं फोर नंबर क्वेश्चन के साथ अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और जो है वो व्हाट्सअप में जो हुआ में है जुड़ना नहीं भूलिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं ताकि आप अगर आप व्हाट्सअप में जुड़ जाते हैं तो आपको जो है वह कब क्लास होगा उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहेगा ठीक है चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं जय हिंद